दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम IPL हिस्ट्री के टॉप 20 हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेजेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों नंबर 20 पर पंजाब किंग्स की टीम है। दोस्तों साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से पंजाब किंग्स को 201 रन का टारगेट मिला और पंजाब किंग्स की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 19 पर भी पंजाब किंग्स का ही नाम है। दोस्तों पंजाब किंग्स को साल 2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से 201 रन का टारगेट मिला और ये टारगेट पंजाब किंग्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 18 पर चेन्नई सुपर किंग्स है। दोस्तों साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से चेन्नई सुपर किंग्स को 203 रनों का टारगेट मिला और चेन्नई ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 17 पर RCB है। दोस्तों RCB की टीम को साल 2010 में पंजाब किंग्स की ओर से 204 रनों का टारगेट मिला और RCB की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 16 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को साल 2023 में गुजरात टाइटंस की ओर से 205 रनों का टारगेट मिला और KKR की टीम ने यह टारगेट 7 विकेटों के नुकसान पर चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 15 पर पंजाब किंग्स की ही टीम है। दोस्तों साल 2022 में पंजाब किंग्स को 206 रनों का टारगेट मिला RCB की ओर से। दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट चेज कर लिया। दोस्तों फिर उसके बाद नंबर 14 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। दोस्तों चेन्नई की टीम को साल 2018 में RCB की ओर से 206 रनों का टारगेट मिला और चेन्नई की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 13 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। साल 2019 में कोलकाता की टीम को RCB की ओर से 206 रनों का टारगेट मिला और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 12 पर पंजाब किंग्स की ही टीम है। पंजाब किंग्स की टीम को दोस्तों साल 2014 में 206 रनों का टारगेट मिला सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से और पंजाब की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर यह टारगेट हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 11 पर भी पंजाब की ही टीम है। दोस्तों साल 2014 में पंजाब की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 206 रनों का टारगेट मिला और पंजाब की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। दोस्तों चेन्नई की टीम को साल 2012 में RCB की ओर से 206 रनों का टारगेट मिला और चेन्नई की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 9 पर दिल्ली कैपिटल्स हैं। दोस्तों दिल्ली की टीम को गुजरात लायंस की ओर से साल 2017 में 209 रनों का टारगेट मिला और दिल्ली की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 8 पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। दोस्तों लखनऊ की टीम को साल 2022 में चेन्नई की ओर से 211 रनों का टारगेट मिला और लखनऊ की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 7 पर मुंबई इंडियंस की टीम है। दोस्तों साल 2023 में मुंबई की टीम को राजस्थान रॉयल्स की ओर से 213 रनों का टारगेट मिला और मुंबई की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर इस टारगेट को हासिल कर लिया। दोस्तों नंबर 6 पर फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है। साल 2023 में ही लखनऊ की टीम को 213 रनों का टारगेट मिला RCB की ओर से और 9 विकेटों के नुकसान पर लखनऊ की टीम ने यह टारगेट चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 5 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से सनराइजर्स हैदराबाद को 215 रनों का टारगेट मिला और सनराइजर्स की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस की टीम है। साल 2023 में मुंबई की टीम को पंजाब किंग्स की ओर से 215 रनों का टारगेट मिला और मुंबई की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। साल 2008 में डेकन चार्जर्स की ओर से राजस्थान की टीम को 215 रनों का टारगेट मिला और राजस्थान की टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 2 पर मुंबई इंडियंस की टीम है। दोस्तों साल 2021 में चेन्नई की ओर से मुंबई को 219 रनों का टारगेट मिला और मुंबई की टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेज कर लिया। दोस्तों नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। दोस्तों साल 2020 में राजस्थान की टीम को पंजाब की टीम की ओर से 224 रनों का टारगेट मिला और 6 विकेटों के नुकसान पर राजस्थान की टीम ने यह टारगेट हासिल कर लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम का रिकॉर्ड कोई टीम तोड़ पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।